वेल देखो यार दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फाइनली A10 रॉयल पास 3.5 अपडेट से रिलेटेड काफी सारा नया लीक्स निकल के आ चुका है, जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भाई ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप एक लाइक कर देना भाई, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आज के दिन जो गेम के अंदर क्लासिक क्रेट है वो आपका अपडेट हो चुका है, और क्लासिक क्रेट आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जो लीक्स मैंने आपको दिखाया था वही यहाँ पे दोस्तों क्लासिक क्रेट के अंदर ऐड करा गया है। कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। कुछ रिवॉर्ड हालांकि इन्होंने डाला है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही गंदा है, जो कि है दोस्तों टाइम लिमिटेड का। भाई टाइम लिमिटेड किसको चाहिए, ठीक है? तो क्या आप लोगों ने इस क्लासिक क्रेट की ओपनिंग करी? अगर करी है तो आपको यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिला है प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना। देख पा रहे हो मैं क्लासिक क्रेट रखता ही नहीं, इसलिए मैं ओपनिंग नहीं करूंगा। भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ ग्लेशियर का, कब यहाँ पे क्लासिक क्रेट के अंदर आए तो मैं इसकी ओपनिंग करूँ, ठीक है? इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बोनस चैलेंज है दोस्तों ये आप लोग का ये वाले वीकेंड में आएगा। अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट अपडेट में देखने के लिए मिलेगा। तो एकदम सही था प्रिडिक्शन मेरा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि बोनस चैलेंज फाइनली आज के ही दिन फ्राइडे आज और ऐड हो चुका है। तुम्हारे भाई का गेसेस कितना सही जा रहा है, जी हाँ। तो देख पा रहे हो यहाँ पर बोनस चैलेंज भी आपका ऐड हो चुका है, जी हाँ देख पा रहे हो। तो आप लोग बोनस चैलेंज जाओ खेलो भाई, अभी आपका 3 दिन रहने वाला है और भाई भर भर के यूसी यहाँ पे ले सकते हो। देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे रिडम्पशन सेंटर है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और टाइमिंग भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाइमिंग भी यहाँ पे आपका दिया गया है। जैसे आज से ये स्टार्ट हुआ है तो ये आप लोगों का 1 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है? तो 1 अक्टूबर तक आपको टाइम है भाई, जाओ फटाफट से बोनस चैलेंज खेलो और भाई यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। इसके साथ साथ यहाँ पे BMPS डोमिनेटर करके एक यहाँ पे स्पेशल टाइप का यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को स्पिन देखने के लिए मिला है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखाया था लीक्स में, जिसमें आपको कार 98 का जो अपग्रेडेबल स्किन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला था, जी हाँ। और कुछ यहाँ पे अल्टीमेट आउटफिट्स है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लो। बाकी ये जो BMPS का लॉबी है यहाँ से आप परमानेंट रिडीम कर सकते। रिवॉर्ड मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था, इसलिए रिवॉर्ड पे ज्यादा तवज्जो ना देकर के डायरेक्ट 10 यूसी का स्पिन करते हैं एंड देखते हैं अपने को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने पेंट चिपका दिया है, चलो कोई बात नहीं। आपको 10 यूसी में क्या मिला था इसमें मेरे को कॉमेंट करके बता देना। क्या दोस्तों आप लोग इसकी ओपनिंग करने वाले हो ये भी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो आप दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जो कि आपका 3.5 अपडेट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पे आप लोगों का जो सुपर कार का स्किन आ रहा है नेक्स्ट अपडेट में वो मैकलैरन का होने वाला है। अब गेस व्हाट दोस्तों, यहाँ पे मैकलैरन का तो स्किन आ रहा है, लेकिन कौन सा स्किन आ रहा है? वो आ रहा है दोस्तों आप लोगों का बगी का स्किन। जी हाँ, आप लोगों ने कभी सोचा था कि मैकलैरन जैसा भाई सुपर कार वाला जो दोस्तों कंपनी है, जी हाँ इंटरनेशनल कंपनी, वो यहाँ पे बगी का स्किन निकालेगा? तो जी हाँ ऐसा ही हुआ भाई, 3.5 अपडेट के अंदर जो है ना बगी का स्किन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जी हाँ। तो आप में से कितने सारे लोग एक्साइटेड हो बगी का स्किन निकालने के लिए प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता देना। इसके साथ साथ दोस्तों आपको सुपर कार की भी स्किन देखने के लिए मिलने वाली है। 3.5 अपडेट के अंदर आपको सुपर कार सीरीज से दोस्तों जो है ना मैकलैरन का 3 स्किन देखने के लिए मिलने वाला, जी हाँ, जिसका दोस्तों आप लोगों को स्पेशल इवेंट देखने के लिए मिलेगा स्प्रिट ड्रिफ्ट का, ये 100% कंफर्म। अब भाई यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भाई कि आप लोगों का कौन सा अपग्रेडेबल गन आ रहा है। तो भाई ये आप लोगों का जो रॉयल पास होता है ना भाई, रॉयल पास का जो अपग्रेडेबल वेपन है वो भी दोस्तों कंफर्म हो गया। और सच में भाई क्या ही इन्होंने हगा है इस बार, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब ग्रेडेबल गन में दोस्तों आप लोग मतलब आप लोग अंदाजा लगाओ कि आपको कौन सा स्किन देखने के लिए मिल रहा होगा, जी हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका A10 रॉयल पास का जो अपग्रेडेबल गन होने वाला है, जी हाँ, आप लोग अगर सोच रहे थे कि SMG कैटेगरी से है, AR कैटेगरी से है, स्नाइपर कैटेगरी से है, शॉटगन कैटेगरी से है, शॉटगन जो कि लग रहा था कि शॉटगन से आएगा, ठीक है, या फिर कोई भी DMR या फिर दोस्तों आप लोगों का जो भी शॉटगन वगैरह जो मैंने आपको बोला ये सब कैटेगरी से अगर आप लोग सोच रहे थे तो भाई आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई। आप लोगों को जो A10 रॉयल पास में 50 RP पे जो अपग्रेडेबल गन देखने के लिए मिलने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है डैगर का स्किन। जी हाँ भाई, यहाँ पे चक्कू का स्किन दे रहे हैं भाई ये लोग, क्या किसको चाहिए भाई ये चक्कू का स्किन? मिली वेपन में दोस्तों इन्होंने डैगर का स्किन को चिपकाया, देख पा रहे हो? तो भाई यार किसको चाहिए डैगर का स्किन भाई, मुझे कमेंट करके बताओ कौन अपग्रेड करेगा भाई। ये कोई और भी गन का स्किन दे सकते थे, जैसे शॉटगन का स्किन दे देते भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि क्राफ्टन ना मतलब DG माई जितनी भी ऑडियंस है ना उसके नज़र में खुद से ही अपना रेपुटेशन डाउन कर रहा है, ठीक है? आप लोग देख पा रहे हो कि भाई अभी इन्होंने A9 में ठीक दिया SMG कैटेगरी, अब इनको A10 में कोई AR दे देना चाहिए, DMR दे देना चाहिए या फिर शॉटगन दे देना चाहिए। शॉटगन मेटा चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, शॉटगन के जो अपग्रेडेबल गन्स होते हैं उसको अपग्रेड भी
करते हैं और भाई निकालते भी हैं। तो भाई और रॉयल पास लेते भी हैं जो लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मैं जिनको जानता हूँ जो सिर्फ रॉयल पास परचेस करते हैं अपग्रेड गन देख करके, ठीक है। जिसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स ही है, जैसे SMG आया ना आप लोगों का, UGI का स्किन है A9 में, भाई ये लोग ना रॉयल पास लेते नहीं थे, UGI अपग्रेडेबल गन के लिए रॉयल पास को परचेस किया। तो भाई इनको ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि ऑडियंस एक्चुअली में चाह क्या रही है, किस टाइप का स्किन्स उनको चाहिए। बट ये लोगों को क्या है भाई, उठा के डैगर का स्किन डाल दिया। भाई डैगर से कौन फाइट करता है, ये तो भाई बस कभी कभी रैंडमली अगर हम लोग कहीं हॉट ड्रॉप उतर जाते हैं, अगर गन नहीं मिलता है तो डैगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला चीज़ था ये मेरे को, जब मैंने सुना तो मैं बोला भाई ये क्या है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर क्राफ्टन। तो आपका इसके ऊपर जो भी कहना है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना, मुझे पता है आप लोगों को भी गुस्सा आया होगा कि भाई ये इन्होंने क्या किया, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट का लीक्स देख लेते हैं जो आप लोगों का 3 दिन के बाद आपका अपडेट होने वाला है BGMI के अंदर। तो मैं आपको प्रीमियम क्रेट का भी लीक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले प्रीमियम ग्रेड के अंदर जो मिथिक आउटफिट आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो ये वाली होने वाला है, मैनिक बनी सेट, और इसका कवर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये मिथिक सेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ साथ BGMI एक्सक्लूसिव की बात करूँ तो आपको मैनिक बनी का फेमस का स्किन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक हेलमेट का स्किन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताओ। इसके अलावा आप इस बैकपैक की स्किन को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बैकपैक का स्किन काफ़ी सही है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑर्नामेंट का स्किन देखने के लिए मिल जाता है। ये जो प्रीमियम क्रेट है ना दोस्तों मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा है BGMI ऑडियंस, ये आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों नेड का भी स्किन देखने के मिल रहा है, बाकी जो अटैचमेंट्स दिख रहा है ये BGMI के अंदर नहीं आएगा, नेड तक ही आएगा, और ये अपग्रेडेबल गन भी BGMI के अंदर नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों का डेफिनेटली जो नेक्स्ट आप लोगों का लीक्स होने वाला है वो होने वाला है एक सूट से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे लोग एक सूट का वेट कर रहे हैं, तो भाई जी हाँ मैं कंफर्म आपको पहले ही कर दिया था कि 3.5 अपडेट के अंदर आपको एक सूट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, और एक सूट आपको देखने के लिए मिलेगा एक ब्रांड न्यू, जो कि एक मेल जो कैरेक्टर वाला जो होता है ना दोस्तों एक सूट, वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और भाई काफ़ी टाइम के बाद एक सूट आ रहा है, यहाँ पे एक अपडेट प्रॉपर स्किप हो गया है, तो आप लोगों को कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। शायद से आप लोगों को कोई एक सूट कार्निवल का भी इवेंट देखने के लिए मिल जाए जिसमें दोस्तों आपको कुछ पुराने एक सूट्स आपको वापस होते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को दोस्तों आर्केन जेस्टर एक सूट जो भी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, जस्ट बिकॉज जब ये एक सूट आया था तो BGMI उस टाइम पे इंडिया के अंदर ब्लॉक था, तो BGMI ऑडियंस इसको निकाल नहीं पाई थी, तो ये आर्केन जेस्टर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को डार्क रेवन एक सूट जो ब्लड रेवन एक सूट से जाना जाता है PUBG मोबाइल के अंदर, लेकिन BGMI के अंदर इसका नाम को बदल दिया गया जस्ट बिकॉज की ब्लड आ रहा था नाम में, तो क्राफ्टन ने दिमाग लगा के इसको डार्क रेवन कर दिया, तो नाम चेंज किया है, तो शायद से ये लोग जो ब्लड रेवन एक सूट को भी ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों को जो है ना मेमोराइज एक सूट जो था ना मार्मोरीज एक सूट ये काफी ज्यादा पसंद आया था, और पसंद आने का रीजन क्या था अभी जैसे डाउनलोड होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख पा रही है डाउनलोड में लगा हुआ है, आप लोग नाम सुन के ही समझ गए हो कि भाई ये एक सूट लोगों को क्यों पसंद आया था, ठीक है, क्योंकि भाई जब ये आया था ना तो भाई काफी सारे लोगों के बहुत सारे फनी रिएक्शन आए थे, क्योंकि ये एक सूट ही कुछ ऐसा है भाई, ठीक है। अभी देखो मैं इसको दिखाता हूं, मैं अगर उसको फाइनल फॉर्म में लेके चलूं ना तो देखो यहां जैसे आप इधर उधर करोगे देखो इसका क्या हिलता है, देख पा रहे हो। तो इसलिए लोग ना इसको बड़ा पसंद कर रहे थे एक सूट को, ठीक है। तो ये एक सूट भी शायद से आपको कार्निवल के इवेंट में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 3 एक सूट को मैंने पिक किया है जो आपको कार्निवल के इवेंट में देखने के लिए मिल सकता है आपके ब्रांड न्यू एक सूट के साथ, जी हाँ। बाकी आप लोग का जो मोड होने वाला है वो स्नो मोड होने वाला है, पूरी तरीके से बर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप लोग का अब नेक्स्ट वीक तक शायद बीटा आ जाएगा तो मैं आपको गेम प्ले वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक कर देना भाई, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भाई गाइस।